आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में कोशिका वरण यानी सेल एनवेलप और परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने कोशिका संरचना देखी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका वरण यानी सेल एनवेलप। तो दोस्तों, कोशिका आवरण क्या होता है सोचिए। आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम कोशिका की सबसे बाहरी परतों के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं कोशिका आवरण क्या होता है। कोशिका आवरण कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। इसमें हम पहले कोशिका भित्ति के बारे में समझते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये सिर्फ पादप कोशिका में सबसे बाहर की परत होती है जो पूरी पादप कोशिका को घेरे रखती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पादप थोड़े कठोर और जटिल होते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की वजह से। ये एक बहुत जटिल पदार्थ सेल्युलोज से बनी होने के कारण मोटी, कठोर और जटिल होती है और पादप को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर कोशिका की सबसे बाहरी परत अगर कठोर होगी तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोशिका की सुरक्षा और बनावट को बनाए रखेगा, यानी कि इसकी जो बनावट होगी वही कोशिका की बनावट है ना। ये स्वतंत्र रूप से पूर्ण पारगम्य यानी परमिएबल और कोशिका का निर्जीव भाग होता है, यानी ये परत किसी भी छोटे कण को अंदर या बाहर जाने देती है और इसमें कोई भी जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही क्यों होते हैं, जंतु कोशिका में क्यों नहीं सोचिए। तो इसका जवाब है कि पादप पर्यावरण में खुले में रहने की वजह से खराब मौसम जैसे आंधी, तूफान, ओले या ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ठंड, ये सब सहना पड़ता है। इसलिए उनकी ज्यादा सुरक्षा के लिए मोटी और कठोर कोशिका भित्ति होती है। मगर जंतु तो सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अब हम एक और सुरक्षात्मक परत कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है जो कोशिका के भागों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है। ये जैविक कार्बनिक अणु प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण जैविक अणु होते हैं। कोशिका के बहुत से कोशिका अंगक इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और कुछ अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है, इसलिए यह कोशिका का जीवित भाग होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार और अंदरूनी संरचना को सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों, ये सोचिए, अगर कोशिका में कोशिका झिल्ली ना हो तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आप जंतु कोशिका को देखें तो ये एक बाहरी परत है जो उसको आकार देती है, और अगर ये नहीं होगा तो अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन पादप कोशिका में देखें तो कोशिका झिल्ली तो होती ही है जो इसको आकार देती है, और उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति भी होती है जो कोशिका झिल्ली और कोशिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कोशिका आवरण क्या होता है। लेकिन क्या आपको पता है इस कोशिका आवरण से पदार्थों का आवागमन कैसे होता है? चलिए समझते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, विसरण और परासरण यानी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण यानी डिफ्यूजन क्या होता है? दोस्तों, आपने कभी विसरण के बारे में सुना है? विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कोशिकाओं में गैस का परिवहन इसी प्रक्रिया से होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन गैस के अणु रक्त के साथ जब कोशिका तक पहुंचते हैं तब कोशिका के बाहर ऑक्सीजन अणुओं की सांद्रता अंदर से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, यहाँ क्या होगा? जी हाँ, विसरण होगा।
ऑक्सीजन अणुओं की गति कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ होती है, और जब कोशिका ऊर्जा बना लेती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है, जिसको कोशिका के बाहर जाना होता है। तब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के गैस अणु की सांद्रता बाहर से ज्यादा होती है। तो अब यहाँ क्या होगा बताइए? फिर से वही विसरण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस के अणुओं की गति अंदर से बाहर होगी। तो इस तरह से कोशिका में गैसों का परिवहन विसरण प्रक्रिया से होता है। दूसरा परिवहन का तरीका है परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण वो प्रक्रिया है जिससे पानी की गति वर्णात्मक पारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली के जरिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हम एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण, सबसे पहले हम दो ग्लास ए और बी लेंगे। ग्लास ए में पानी की मात्रा ज्यादा और ग्लास बी में पानी की मात्रा कम लीजिए। अब इनमें समान मात्रा में शक्कर व नमक को घोलकर विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इन दोनों विलयनों की तुलना की जाए तो ग्लास ए में पानी की सांद्रता ग्लास बी की तुलना में ज्यादा है, तो ग्लास ए के विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, जबकि ग्लास बी में पानी की सांद्रता ग्लास ए की तुलना में कम है तो ग्लास बी के विलयन को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब एक और ग्लास सी लेंगे जिसमें पानी की मात्रा और शक्कर व नमक की मात्रा समान होगी। अब यहाँ दोनों ग्लास ए और सी की तुलना की जाए तो दोनों में पानी की सांद्रता समान होगी, तो दोनों ही विलयन एक दूसरे के समपरासरण दाबी विलयन कहलाए जाएंगे। इस तरह से एक और ग्लास डी लेंगे जिसमें हम पानी की मात्रा और शक्कर व नमक की मात्रा ग्लास बी के समान रखेंगे। अब यहाँ ग्लास बी और ग्लास डी को आपस में तुलना की जाए तो दोनों में पानी की सांद्रता समान होगी, यानी ग्लास बी और ग्लास डी दोनों भी आपस में समपरासरण दाबी विलयन कहलाए जाएंगे। अब दोस्तों सोचिए कि किसी कोशिका को इन विलयनों में डाला जाए तो क्या होगा, सोचिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में कम है तो दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, परासरण। कोशिका का पानी प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आएगा और धीरे धीरे कोशिका का आकार छोटा होता चला जाएगा। अब कोशिका को हम अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। यहाँ इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में ज्यादा है। तो अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा? जी हाँ, फिर से वही परासरण। विलयन का पानी प्लाज्मा झिल्ली से कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका का आकार फूल कर बड़ा होता चला जाएगा। अब अगर हम कोशिका को समपरासरण दाबी विलयन में डालें तो क्या होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर पानी का परिवहन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों में पानी की सांद्रता समान है। दोस्तों, इस परासरण प्रक्रिया से पादप जड़ के जरिए भूमि से पानी को सोखते हैं। चलो ये भी देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ ये पौधा भूमि पर लगा हुआ है, भूमि में पानी भी होगा और उस पानी में बहुत सारे लवण यानी सॉल्ट्स घुले होंगे यानी कि डिसॉल्व होंगे, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होंगे, और पादप में जड़ कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होगी। तो भूमि का पानी एक अल्प परासरण दाबी विलयन होगा यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए? जी हाँ, परासरण। भूमि का पानी जड़ कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के जरिए कोशिका में जाता है और कोशिका फूल कर मोटी हो जाती है। तो देखा दोस्तों किस तरह पादप में परासरण प्रक्रिया से पानी और लावणों का परिवहन होता है। सारांश, कोशिका आवरण, कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। आगे हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे।